स्टूडेंट्स वेलकम टू पवार मैथ्स क्लासेस। टुडे टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से बेटा मैं आज आपको एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसकी मैं आज आपको सुपर ट्रिक बताने वाला हूँ कि जिसके बेस पे आप बहुत ही इजी वे में इस क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। जैसे कि आजकल की कुछ रिजल्ट आते हैं, कोटेक्स प्लस कोस एक्स एक्स इजिकल टू फाइव, कोस एक्स साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो आपसे फाइंड करने के लिए कहते हैं, दे दिया जाता है फाइंड करने के लिए। कोस एक्स माइनस कोटेक्स इजिकल टू टू है ना, तो लेकिन इन फॉर्म में इक्वल टू में यहाँ पे कोस्टेंटली कोई वैल्यू हो, जो भी आपकी कोस्टेंट हो आप उसको इक्वल टू कोस्टेंट मान के चलते हैं। यहाँ पे ये सेक एक्स टेन एक्स इजिकल टू फोर इस तरह से प्लस माइनस में, तो ये दो तरह की फॉर्म है आपकी, कोस थीटा प्लस माइनस कोट थीटा इजिकल टू जहाँ पे एक्स इज कोस्टेंट है, और सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा इजिकल टू जहाँ एक्स कोस्टेंट है। तो आज मैं जो ट्रिक है इसके बेस पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ। देखो सबसे पहले आप क्या करते हैं, यदि इस तरह की कोई ट्रिक है तो आप इसके अंदर इसके एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। आप राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट एंगल्स के अंदर आपको पता होना चाहिए ये आपका हाइपोटेनियस होता है, ये आपका नीचे बेस होता है, ये परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले आप इसको क्या मानते हैं, जब ये जो भी रिजल्टेंट होगा यदि ये एक्स होगा तो इसका स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे ये टू एक्स, और यहाँ पे इसे एक्स स्क्वायर प्लस वन। आप इनके तीनों मेंबर्स में इसके कोस्टेंट के ऊपर इसे डिपेंड करेंगे, इसके स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू, ये टू एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वन। लेकिन जब ये आइडेंटिटी होगी इसमें इसका जो बेस और परपेंडिकुलर आपने माने हुए हैं ये आपके चेंज हो जाते हैं इस फॉर्म के अंदर। यदि ये वाली फॉर्म होगी तो आप इसके अंदर ये अप्लाइड करेंगे, और यदि आपकी इस तरह की फॉर्म होती है तो आप क्या अप्लाई करते हैं, जब एक राइट एंगल बनाते हैं आप, और इस राइट एंगल में जो आपका ये बेस है उसको तो आप परपेंडिकुलर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये आपका टू एक्सिस हो जाता है और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखते हैं कि हम इस मेथड से किस तरह से आंसरों को फाइंड कर लेते हैं। लेट ये हमारे पास कुछ रिजल्ट दिया है और हमने चेक किया कि भाई जब कोटेक्स प्लस कोसेक्स बराबर फाइव है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले इसके अंदर हम ये वैल्यू रखते हैं। तो फाइव स्क्वायर, दैट इज मैंने यहाँ रखा फाइव स्क्वायर माइनस का वन, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव माइनस वन दैट इज ट्वेंटी फोर ही आ जाएगा। फाइव इंटू टू दैट इज टू इंटू फाइव, तो ये साइड कितनी आ जाएगी टेन, और यहाँ पर रखूँगा तो फाइव स्क्वायर प्लस वन तो ये कितना आ जाएगा ट्वेंटी सिक्स, तो ये 26 आ जाएगा, ये साइड आपकी 10 आ जाएगी और ये आपकी है। अब आपके पास और वी नाउ दैट, देखो बेटा आप पढ़ के आए हैं, यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री का रेशो नहीं पता तो आपको ये याद करना है, पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इसके अंदर ये जो अपोन ये तो आपका साइन होता है, ये आपका कोस होता है, और ये आपके लिए टेन हो जाता है। सपोज दैट आप उसे एक्स में मेजर कर रहे हैं किसी एंगल ऑफ थीटा के लिए, कि लेट ये आपका एंगल है, ये आपके लिए इसके लिए एक्स का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है एक्स है थीटा है, तो यहाँ साइन एक्सिस के लिए ये रिजल्टेंट हो जाएगा, कोस एक्सिस के लिए ये रिजल्टेंट हो जाएगा, टेन एक्सिस के लिए ये रिजल्ट हो जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, कोस एक्स। जब हमें कोस एक्स फाइंड करना है तो कोस एक्स किसके इक्वल होगा आपका, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई बेस अपोन हाइपोटेनियस, बेस कितने है आपका 24 और ये हाइपोटेनियस कितना है 26। यदि आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 बाई कितना आ जाएगा 13, इसके आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप दूसरी वैल्यू का भी निकाल सकते हैं। तो ये तो पॉइंट ऑफ व्यू निकालने के लिए इस तरह का रिजल्ट है। दूसरे वाले इस रिजल्टेंट में आप क्या करते हैं, यदि सेक प्लस टेन एक्स इजिकल टू दे रखा है तो आप इनको चेंज आउट करके तब वैल्यू रखेंगे। आप देखो यहाँ कोस्टेंट कितना है फोर, तो आपने यहाँ रखा तो टू इंटू फोर, ये तो एट हो गया, फोर का स्क्वायर माइनस वन दैट इज फोर का स्क्वायर 16, और 16 में से वन लेस देन करेंगे आप तो ये 15 आ जाएगा, फोर स्क्वायर प्लस वन तो ये 17 आ जाएगा। अब आप सब वैल्यू जानते हैं कि भाई साइन किसकी इक्वल होता है, साइन जो रिजल्टेंट होता है वो आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ परपेंडिकुलर कितना है आपका, ये आपका लेट क्योंकि ये एक्स होता है तो एक्स के सामने की साइड जो 15 है तो 15 हो जाएगा, और अपॉन 17 तो इसकी आ जाएगी वैल्यू। इससे इस तरह से आप अदर वैल्यू और भी निकाल सकते हैं। तो ये आज की शॉर्ट ट्रिक थी, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अपनी कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएँ कि आपको कैसी वीडियो लगी।